छोले पंजाबी खाने की एक स्वादिष्ट सब्जी है। आज की रेसिपी में हम जानेंगे बिना प्याज और लहसुन के स्वादिष्ट जैन पंजाबी छोले कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में जाएंगे एक कप यानी 250 ग्राम रात भर भिगोए हुए काबुली चना और इसी के साथ जाएंगी 3 टेबलस्पून चना दाल। दाल को प्रेशर कुक करने से पहले इसे 30 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो ले। अब इसमें जाएगा 3 कप पानी। पानी आप जिस कप से काबुली चना लेते हैं उसी कप से पानी डालें। फिर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक। छोले में बेकिंग सोडा डालने से छोले जल्दी पक जाते हैं और ये नरम और एक्स्ट्रा क्रीमी भी बनते हैं, तो बेकिंग सोडा को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब कुकर को ढक्कन से ढक दे, फिर मध्यम आंच पे 4 से 5 सीटी लगाएंगे। 5 सीटी लग जाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दे। जब कुकर में प्रेशर अपने आप खत्म हो जाए उसके बाद ही कुकर को खोले। छोले को पकाने से पहले एक बार छोले को चेक कर लीजिएगा कि ये सही तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। अगर लगे कि थोड़े कच्चे रह गए हैं तो एक सीटी और लगा दे। अब इस छोले को साइड में रख देंगे और पानी को फेंकना नहीं है। बढ़िया छोले बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई या फिर हांडी में जाएगा 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी या शुद्ध घी और घी को मध्यम आंच पे गरम करें। एक बार घी हल्का गरम हो जाए फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा और जीरे को मध्यम आंच पे सिजल होने दे। जैसे ही जीरा तड़कने लगे फिर इसमें आप डाल देना 350 ग्राम पके हुए लाल टमाटर की प्यूरी और साथ ही में जाएगा नमक स्वाद अनुसार। अब टमाटर की प्यूरी को अच्छे से भुनेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक कि प्यूरी की साइड से घी छूटने ना लगे। और ये देखिए टमाटर को आपको इस तरह से अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो पे कर दे क्योंकि इसमें जाएंगे सूखे मसाले। सब्जी में बढ़िया स्वाद और रंग के लिए डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ध्यान रहे धनिया जीरा पाउडर नहीं लेना है। छोले के स्वाद को दुगना करने के लिए इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर और आखिर में जाएगा 2 बड़े टेबलस्पून छोले मसाला। छोले की ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखने के लिए इसमें आप डाल देना 1/2 कप उबले हुए छोले। छोले को इस तरह से मैश कर लीजिएगा और इसी के साथ आप डाल देना 3 टेबलस्पून पानी ताकि मसाले भूनते समय जले नहीं। अब मसालों को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे। सभी मसालों को 3 मिनट तक अच्छे से भून लेने के बाद इसमें आप डाल देना उबले हुए छोले, पानी के साथ ही डालें। अब छोले को भुनी हुई ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। जब छोले को थोड़ा पका लेने के बाद कढ़ाई को ढक्कन से ढक दे और इसे धीमी आंच पे 12 मिनट तक पकने दे ताकि सभी मसालों की फ्लेवर छोले में अच्छे से आ जाए। अब छोले के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे खूब सारा कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 हरी मिर्च पतली लंबी कटी हुई। अब एक बार फिर से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और छोले को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाए। तो लीजिए सुपर टेस्टी स्वाद की गारंटी जैन पंजाबी छोले बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।